हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे करेला आलू की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। ये हमने 250 ग्राम करेला ले लिया है, जिसे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये हमने नमक के पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। यह हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसे चॉप्ड कर लिया है इस तरह से। यह हमने 1 मीडियम साइज़ का आलू ले लिया है, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च ले ली है, जिसे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून ज़ीरा और 3 लहसुन की कली ली है, जिसे हमने इस तरह से टुकड़ों में बारीक कट कर लिया है। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। अब हम उसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। स्टर कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए हमारे लहसुन ऐड कर लेंगे, ज़ीरा ऐड कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। प्याज का कलर पिंक होने तक, हमें ज़्यादा प्याज को नहीं भुनना है, लाइट पिंक हो जाए तो हम इसे उतना तक भून लेंगे। अब हम इसमें करेले ऐड कर लेंगे। करेले हमें नमक के पानी में भिगोने से उसका थोड़ा कड़वापन ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा कड़वे नहीं लगते हैं फिर पकने के बाद। अब हम इसे भून लेंगे, लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक, ताकि करेला अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए, हमने इसे लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने दिया है। अब हम इसमें कटे हुए आलू ऐड कर लेंगे, हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे, हल्दी और नमक ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और लगभग हम इसे फिर से 1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर भून लेंगे। ये हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें लगभग 1/4 कप पानी ऐड कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मिक्स कर लेंगे और ढक्कन ढककर 2 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, ताकि हमारे आलू वगैरह अच्छी तरह से गल जाए और पानी भी सूख जाए। देखिए, हमने इसे पका लिया है, पानी पूरी तरह से सूख चुका है और हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, क्योंकि हमने इसे बारीक टुकड़ों में कट किया था। अब हम इसे फिर से 1 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाए। अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसे। और ये हमारी टेस्टी करेले की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब आप इसे गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ, और आप इसी तरह से बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और